अस्सलामु अलैकुम, मिहराब इल्म में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल्लाह, ऑप्शन बी अज़ीज़, ऑप्शन सी जाफ़र, ऑप्शन डी मत्ता। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मत्ता। अगला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस नबी की नस्ल में से थे? ऑप्शन ए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, अल्लाह तबारक तआला ने क़ुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किन नामों से पुकारा है? आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ज़ुल्नून और साहिबुल हूद। अगला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क़ुरान मजीद में कितनी सूरतों में किया गया है? आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है 6 सूरतों में। सूरे निसा, सूरे अनाम, सूरे यूनुस, सूरे सौफ़ात, सूरे अंबिया और सूरे कलम। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस बस्ती के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा? ऑप्शन ए मदयन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी नीनवा, ऑप्शन डी मिस्र। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीनवा। अगला सवाल है, नीनवा बस्ती के बाशिंदों की तादाद कितनी थी? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 1,00,000 से ज़्यादा। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1,00,000 से ज़्यादा। अगला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर किस आज़ाब का ज़िक्र फरमाया था? ऑप्शन ए पानी का आज़ाब, ऑप्शन बी बिजली का आज़ाब, ऑप्शन सी हवा का आज़ाब, ऑप्शन डी अज़ाब नार। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अज़ाब नार। अगला सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो मछली के पेट में रहे? ऑप्शन ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 9 दिन। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40 दिन। अगला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर से अल्लाह ताला को किस तरह पुकारा? या वो कौन सी दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी? आपका वक्त शुरू होता है अब। वो
वो दुआ जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। अगला सवाल है, जब मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दिया था तो अल्लाह की कुदरत से किस सब्ज़ी के बेलदार दरख्त ने आपके ऊपर साया किया था? आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है कद्दू की बेल। अगला सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के रिज़्क का क्या इंतज़ाम फरमाया था? ऑप्शन ए गोश्त का, ऑप्शन बी शहद का, ऑप्शन सी फलों का, ऑप्शन डी दूध का। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पहाड़ी हिरनी के दूध का। अगला सवाल है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ वाक़े है? ऑप्शन ए मदयन, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी बगदाद। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इराक के शिमाल नीनवा में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।